नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान मात्र एक मुट्ठी काले तिल से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जन्म जन्मों के पितृ दोष भी दोस्तों काले तिल के उपाय से खत्म हो जाते हैं और पितृ आशीर्वाद में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, पितृपक्ष में घर पर ही आप आसान तरीके से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट, प्रयाग में श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते तो घर पर रहकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय और आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर होती है। दोस्तों, जिस घर में पितर नाराज होते हैं उस घर में हमेशा कलह, एक दूसरे के प्रति नाराजगी, एक दूसरे के प्रति द्वंद्व और उस घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता का निवास होता है। उस घर में कभी भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकते क्योंकि शुभ कार्यों में पितरों की नाराजगी के कारण वे कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने पितरों को अवश्य ही प्रसन्न करें। दोस्तों, मैं आपको ये विधि बताऊँ उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय पितृदेव लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, श्राद्ध की तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध आपको करने हैं। यही वो अवधि होती है जो श्राद्धों तक यानी कि आपके पितरों को ये स्वीकार्य होती है। इसके लिए दोस्तों, आपने जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है। उसके बाद आपने अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी है, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपने अपने घर में गंगा जल और गोमूत्र लेकर पूरे घर में छिड़क कर घर को एकदम पवित्र बना देना है। दोस्तों, घर में पवित्र बनाने के बाद आपने विधिवत रूप से सुबह जल्दी अपने देवगणों को प्रसन्न करना है, दिया बाती करना है, उनकी आरती और पूजा अर्चना करने के बाद आपने दोपहर 12:24 की अवधि के बीच ये उपाय करना है। दोस्तों, आपने सर्वप्रथम जिस जगह पर आप बैठ रहे हैं उस जगह को साफ करना है और दोस्तों आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। दोस्तों, दक्षिण दिशा जो होती है ये पितरों की दिशा होती है, इस दिशा में मुंह करके आपने बैठना है। आपने दोस्तों बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठना है। इसके बाद दोस्तों आपने तांबे के बर्तन लेना, एक तांबे का बर्तन लेना है और उसको अच्छी तरह से स्वच्छ हुआ होना चाहिए और उसमें शुद्ध जल भर देना है। दोस्तों, जल भरने के बाद आपने उसमें गाय का कच्चा दूध डाल देना है। कच्चा दूध यानी दोस्तों, जब आप गाय का दूध निकाल कर लाएं तो वो दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, वो एकदम पवित्र और कच्चा दूध ही होना चाहिए। वो दूध आपने उस पानी के लोटे में डाल देना है और गंगा जल डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने एक मुट्ठी काले तिल लेना है और काले तिल लेकर दोस्तों उस तांबे के बर्तन में आपने उस तिल को डाल देना है। दोस्तों, अब आपने उस जल को अपने दोनों हाथों में भर देना है और सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में आपने गिराना है। इस तरह दोस्तों आपने लगातार 21 बार करना है। दोस्तों, आपने पहली बार जब आप करें तो आपने मन ही मन ये बोलना है कि हे पितृदेव, मेरे द्वारा दिए जा रहा ये तर्पण स्वीकार करें और अपनी कृपा आशीर्वाद आप अपने परिवार पर बरसा कर हमें सफलता की ओर अग्रसर करें। मन ही मन आपने अपने पितरों से ये आग्रह करना है। इस तरह से आपने
11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने घर के आंगन में एक रंगोली बनानी है। घर की महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बना देने। दोस्तों श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी कि ब्राह्मण को न्योता देकर अपने घर पर बुलाना है। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर उसे एकदम शुद्ध करें। जी हाँ दोस्तों, निमित जो भी ब्राह्मण जो होता है उसके पैर धोकर आप उनका आशीर्वाद जरूर लें। आपका ये आशीर्वाद ही आपके पितरों तक पहुँचता है और आपके पितरों का दोस्तों मोक्ष होता है। यह आपके डायरेक्ट पितरों तक पहुंचता है। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए और पति को बाएं तरफ होना चाहिए और दोस्तों दोनों पति पत्नी को मिलकर उस ब्राह्मण देवता के पैर को धोना चाहिए। दोस्तों पितरों के निमित्त आपने अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर को अर्पण करना है। यानी कि आपने अपने पितरों को ध्यान में करते हुए खीर चावल और दूध से बनानी है, जो कि ये एक प्यास अन्न कहते हैं, इसको बनाना आवश्यक होता है। और आपने उस खीर को लेकर अग्नि में पितरों को याद करते हुए अर्पित कर देना है। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी कि गाय, कुत्ते, कोए, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाल देना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों दक्षिणाभिमुख यानी कि दक्षिणा दिशा में मुख रखकर कुशा जो तिल चावल और जल लेकर संकल्प करें, एक या फिर आप तीन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली और पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परसे। दोस्तों प्रसन्न होकर ही आपने भोजन को परोसना है। भोजन के बाद आपने यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर इसमें गो भूमि तिल स्वर्ण घी वस्त्र अनाज गुड़ चांदी और नमक आपका दान करें और इसे ही महादान कहा गया है। इसके बाद दोस्तों जिस ब्राह्मण को आप अपने घर पर बुलाया है उसकी 4 बार प्रदक्षिणा करनी है। 4 बार उस आपने उसके घूमना है चारों ओर और ब्राह्मण को चाहिए कि वो स्वस्ति वाचन और वैदिक पाठ करें और गृहस्थ एवं पितृ के प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके सारे पितृ दोष खत्म हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय पितृदेव लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय पितृदेव।